हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ऑनलाइन जीएस में। और हमारा चल रहा था मॉडर्न हिस्ट्री फॉर 64th बीपीएससी प्रीलिम्स, जिसमें कि हम मॉडर्न हिस्ट्री की बहुत सारी टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, जैसे कि ट्राइबल एंड सिविल अपराइजिंग्स, रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार। इसके अलावा जब हम देख रहे थे कि गांधी जी का एंट्री हो जाता है इंडियन पॉलिटिक्स में, तो उसके बाद चंपारण सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबेडियंस मूवमेंट, ये हम सब लोग देख चुके हैं। आज हम देखेंगे एक थोड़ा अलग टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का, जिसका नाम है नखास पिंड आंदोलन। दिस इज प्रेजेंटेड टू यू बाय मी, मेरा नाम है अभिनव राज। तो जैसा कि मैंने आपको टॉपिक का नाम बता दिया, नखास पिंड मूवमेंट, या हिंदी में बोले तो नखास पिंड आंदोलन। हो सकता है आप में से बहुत लोग इसका नाम नहीं सुने होंगे, लेकिन जब आप बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये बिहार का ही मूवमेंट है। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं कि ये इसका कंट्रीब्यूशन क्या है और ये किस काल में था, किस आंदोलन के समकालीन था। तो जब गांधी जी का चल रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि जब नमक कानून तोड़े थे गांधी जी दांडी मार्च करके, तो उसी समय का ये आंदोलन है। और इसका योगदान रहा जो है विशेष रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन के दिनों में नमक कानून को भंग करने में किया गया। ठीक है, तो ये इंग्लिश में बोल दिया इस बात को, मेन कंट्रीब्यूशन वायोलेशन ऑफ सॉल्ट लॉ। ओके, तो अब ये नखास पिंड है क्या, तो ये एक जगह है पटना डिस्ट्रिक्ट में। ओके, और ये अगर टाइमलाइन आपसे पूछ लिया जाए कि ये ईयर क्या है, हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि किस सन का बात है, तो 1930 का बात है और 16 से लेकर 21 अप्रैल तक, क्योंकि आपको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि 5 अप्रैल को गांधी जी नमक कानून तोड़े थे। उनका जो शुरू हुआ था दांडी मार्च 12 मार्च को शुरू हुआ था 1930 में, और 5 अप्रैल को ये दांडी पहुंच के वहां पर नमक कानून तोड़ते हैं, और यहीं से शुरुआत हो गया था सत्याग्रह का। और इसमें हमारे बिहार के भी निवासी थे, गिरिवर धारी चौधरी, उनका मेंशन हो चुका है पहले। तो इसके बाद जब गांधी जी नमक कानून भंग कर देते हैं, उसे तोड़ देते हैं, तो बिहार में 16 से लेकर 21 अप्रैल तक आंदोलन चला, नखासपिंड चलो। तो आपसे एक पोटेंशियल क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि नखासपिंड आंदोलन, नखासपिंड चलो, ये स्टेटमेंट जो है, ये नारा कब दिया गया था। तो आप बोलेंगे उस समय कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय यह नारा दिया गया था। जगह है पटना जिला में। ठीक है, और लोग थे इतने एक्साइटेड हो गए थे, इनका दृढ़ संकल्प इतना था कि पुलिस के जुल्म के आगे भी लोग नहीं झुक रहे थे, ओवर एक्साइटेड। तो इतने लोगों में जो जोश भरने का काम किसने किया था, इस आंदोलन का लीडर कौन था बिहार में। ओके, तो सर्च लाइट के मैनेजर और सेक्रेटरी ऑफ पटना नगर कांग्रेस कमेटी, यानी कि पटना नगर कांग्रेस कमेटी के सचिव और साथ ही साथ वो सर्च लाइट के मैनेजर थे, इनका नाम है अंबिका कांत सिंह। जब मैं आपको बुक्स बता रहा था और इससे रिलेटेड टॉपिक्स, तो इनका मेंशन पहले भी आ चुका है, अंबिका कांत सिंह, तो ये लीडर थे। अब आपसे पूछ लिया जाए, जैसे बीपीएससी में आजकल चला हुआ है कि 4 ऑप्शन देते हैं, ए बी सी डी और आखिरी ई दे देते हैं, और पूछ देते हैं कि एक से अधिक या इनमें से एक भी नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि आपसे दे दें कि अंबिका कांत सिंह किन किन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े थे, उसमें ऑप्शन में सर्च लाइट और पटना नगर कांग्रेस कमेटी दोनों हो, तो आपको ई ऑप्शन वहां पर टिक करना होगा। हो सकता है ऐसे भी क्वेश्चन आए, तो आपको बहुत ज्यादा कॉन्शियस होके आंसर्स देने हैं, ये तो आप समझ ही चुके होंगे। ठीक है, तो होता क्या है कि अंबिका कांत सिंह के नेतृत्व में लोगों का एक जत्था नखासपिंड स्थान पर पहुंचता है और वहां नमक कानून भंग किया जाता है, लेकिन पुलिस जो है ना रास्ते में रोककर कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। और लोग इतने एक्साइटेड होते हैं, इतने उत्तेजना रहती है उनमें कि वो पुलिस से भिड़ंत हो जाती है उनकी, और उसका फिर परिणाम अच्छा नहीं होता है लोगों के बीच। और इसके बीच क्या होता है कि नखासपिंड जो जत्था पहुंच जाता है तो वहां पर नमक कानून भंग करता है।